आज हम पैसिवोइस पढ़ेंगे। पैसिवोइस जो है कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 और BSc BA इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पैसिवोइस होते क्या है, यानी एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। किसी बात को सीधी नकर कहकर घुमाकर कहना ही क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अब पैसिव वॉइस के लिए जो चीज याद होनी चाहिए वो सबसे पहले अपनी एक सारणी। सारणी क्या है अपनी, सारणी देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज प्लस एमवी फर्स्ट। ठीक है, इसको अपन चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में दी हुई होगी क्वेश्चन में, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे अपन क्या, इज एम आर प्लस एमवी थर्ड। हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि वर्ब जरूर याद कर लेना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा इंग्लिश ग्रामर का जिसमें वर्ब काम में नहीं आएगी, सारे टॉपिक आएंगे जिसमें वर्ब काम में आएगी। पहली हो गई अपनी, दूसरी अगर खुद इज एम आर ही आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो इज एम आर प्लस एम वी फर्स्ट के साथ आई एन जी। अगर खुद इज एम आर ही आ जाए तो अपन लगाएंगे इज एम आर प्लस बी आई एन जी, बीइंग प्लस एम वी थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैज हैव, हैज हैव प्लस एम वी थर्ड आ जाए, कुछ नहीं करेंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस एम वी थर्ड, यानी क्या लग जाता है, बीन। तीसरी हो गई, चौथी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज हैव बीन प्लस एम वी फर्स्ट के साथ आईएनजी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्यों, नो चेंज क्यों है, ये इतना ही चेंज होगा इसमें, एमवी फर्स्ट के साथ क्या लग जाएगी, एमवी थर्ड। इसलिए कई कई टीचर इसको बोल देते हैं नो चेंज और कई कई कहते हैं कि इसमें चेंज होगा। अगला जो अपना आता है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस एम वी फर्स्ट। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है, इसको किसमें चेंज कर दिया अपन ने, अगले वाले में इज एम आर में, वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस एम वी फर्स्ट को किसमें चेंज कर देंगे अपन, वाज वर, वाज वर प्लस एम वी थर्ड। इज एम आर खुद आ गया था तो क्या लगा दिया पढ़ने, आई एन जी बींग, वैसे ही अगर वाज वर्ब खुद आ जाए तो क्या लग जाएंगे, वाज वर्ब प्लस एम वी फर्स्ट के साथ आई एन जी, वाज वर्ब प्लस बींग एम वी फर्स्ट के साथ आई एन जी, है ना, एम वी थर्ड आती है हमेशा। सातवा हैड प्लस एम वी थर्ड, इसको चेंज किसमें कर देंगे, हैड बीन एम वी थर्ड। अगला जो है हैड बीन एम वी फर्स्ट के साथ आई एन जी, इसको चेंज किसमें कर देंगे, वही थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसकी जगह, हैड
बीन एम वी थर्ड। अगर मॉडल आ जाए, अब विल सेल मॉडल में आ गए, अगर मॉडल आ जाए तो क्या होगा, मॉडल और मॉडल के साथ कौन सी वर्ब आती है, एम वी फर्स्ट। तो मॉडल का मॉडल रहेगा प्लस बी लग जाएगा प्लस एम वी थर्ड। एक सारणी तो एक कंटस्थ याद होनी चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद एक सारणी हो रहा अपन को, जो सब्जेक्टिव सारणी है वो याद हो गई तो अपन को पैसिव वॉइस याद हो गई, बहुत सरल पैसिव वॉइस है। अब देखते जाओ आप। अब दूसरा जो होगा अपना वो होगा प्रोनाउन संबंधित चेंज, यानी अगर आई एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो उसको चेंज कर देंगे अपन मी में, वी वी दे रखा है तो वी ओवर अस, वी को चेंज कर देंगे अस में। ये जो चीज है क्या नहीं है इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छी तरह समझेंगे। अभी तो इतना ही याद रखना पड़ दो, आई को चेंज करना है मी में, वी को चेंज करना है अस में, दे को चेंज करना है देम में, ही को चेंज करना है हिम में, सी को चेंज करना है हर में, यू को चेंज करना है यू में, इट को चेंज करना है इट में, और नेम क्या रहेगा, नेम ही रहेगा। आ गए अपने पूरे सब्जेक्ट, ही सी इट नेम आई वी यू दे। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं पैसिव वॉइस को, टेंस के हिसाब से बहुत सरल पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कौन से टेंस आते हैं, सिंपल, यानी सिंपल वाक्य सेंटेंस के आधार पर पढ़ेंगे अपन पैसिव वॉइस को। सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में क्या क्या आता है वो देखना है अपन, जैसे ये बना लिया अपन ने सेंटेंस। अब अगर पीछे की तरफ इसमें कोई नोट नहीं आना चाहिए प्रश्नवाचक, अगर तुमने टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो इसको देखने से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, क्योंकि टेंस की वीडियो में बहुत कुछ है और करेक्ट फॉर्म होती है और उसे बहुत कुछ सीखोगे तुम। पहले वो वीडियो देखना उसके बाद इस वीडियो पे आना, ग्रामर सीखने का एक वो होता है उसी हिसाब से मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, सारे टॉपिक देखना तुमको अनिवार्य है अगर ग्रामर ही सीखनी है तो। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है एलपी वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो अपना सेंटेंस होता है और जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं अपना एक्टिव वॉइस, और जो चेंज करते हैं उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अच्छा अब चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा लो, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सारणी के अनुसार चेंज होगी जो अपन ने सारणी बनाई है। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, या कुछ भी दे रखी हो, आईएनजी दे रखा हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे रखी हो, यह हमेशा थर्ड ही लगेगी। फिर बाई लगाओ और बाई लगा के क्या लिख देंगे सब्जेक्ट। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे ये सेंटेंस ले लिया अपन ने, सब्जेक्ट हो गया अपना, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर हैज हैव हेड वाज वर ये चीज नहीं है ना इसमें, ये है तो यही क्या होगी अब इसकी मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगी इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाओ, तो यहाँ ले आएंगे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फूड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है सारणी के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज एम आर और एम वी थर्ड, तो फूड के साथ क्या लगाएंगे अपन इज। ठीक है, अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी कुकड़, सी डबल ओ
एडी कुकड बाय लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, ही को चेंज किसमें कर देंगे दूसरी सारणी के अनुसार, हिम में। आधा समझ में आया होगा, देखो दोबारा देखो, होम का होम, ठीक है। अब क्या आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किसमें करते हैं, वाज वर्ब, तो होम के साथ क्या लगेगा वाज। फिर हो गया एलपी वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिचली होती है, रिच। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दो, बाय देखो के चेंज किसमें कर देंगे दूसरी सारणी के अनुसार, देम में। अब समझ में आ गई होगी, देखो आगे क्रिकेट ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, फिर इसको चेंज किसमें कर देंगे अपन, इज एम आर में करेंगे, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा इज। अब इज के साथ क्या लाएगा बींग, अगर इज एम आर खुदा का है तो किसमें चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस बींग प्लस एम वी थर्ड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेयर। बाय लगाओ, सी को चेंज किसमें कर देंगे हर में, ठीक है। अगला देखो ओवरवर्क, हमारा गृह कार्य ओवरवर्क का मतलब होता है, तो ये अपना क्या हो गया सब्जेक्ट। एलपी वर्ब क्या है, हैज़ को चेंज किसमें करेंगे, हैज़ प्लस बीन प्लस एम वी थर्ड, तो ओवरवर्क के साथ क्या लगेगी है हमारा गृह कार्य बीन। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी फिनिश्ड, बाय लगाओ, बाय लगा के क्या लिख देंगे अस। ये हो गए अपने सिंपल सेंटेंस की कहानी। अब इसके बाद इसी टेंस में एक चेंज और कर देता है वो, मान लो अगर मैं इस टेंस में यहां पर नोट लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नोट लगा दिया जाए तो। तीसरे नंबर अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव में इनमें हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, बस हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, इनमें तो आ रही है हेल्पिंग वर्ब, तो यो कहीं लग जाएगा तीसरे नंबर पे नोट। एक बार एग्जाम में ऐसा सेंटेंस देके सबको घुमा दिया था, तो ध्यान रखना अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उससे कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, नोट तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। अब इससे अगले वाले रूल पे चलते हैं अपन, वो है डबल ऑब्जेक्ट वाला रूल। अच्छा डबल ऑब्जेक्ट का रूल क्या कहता है अपन से, डबल ऑब्जेक्ट का रूल कुछ भी नहीं कहता, बहुत सिंपल होता है। देखो ये देखो, अब सब्जेक्ट हो गया अपना, मेन वर्ब हो गई अपनी, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। अब देखो सबसे पहले किसको उठाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड को ही उठाना है हमेशा, ओ टू जो आएगा उसको उठाना है हमेशा, अगर दो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे तो ए पेन। अब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ए पेन के साथ क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, इज ए वर्ब, तो ए पेन के साथ क्या लगाएंगे इज। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन, बाय मी यो कहियो, बाय लगाओ और माय फ्रेंड को किसमें चेंज कर देंगे नेम को, माय फ्रेंड ही रहेगा नेम का नेम, ठीक है। समझ में नहीं आया साहब, एक सेंटेंस और समझाओ, दूसरा सेंटेंस और ले लो, जैसे दे राइट ए लेटर इन द होम, ये जैसे ये है दे राइट ए लेटर इन द होम। अब सब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब
फर्स्ट फॉर्म का तो बढ़ा दिया, सेकंड फॉर्म का दे दो, रोट कर लो, सेकंड फॉर्म फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को हटा दो, इन द होम पहले लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज कर देंगे, वाज वर्ब, तो इन द होम के साथ क्या लगेगा, वाज। अब थर्ड फॉर्म लगेगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट रोट रिटर्न, डब्ल्यू आर आई डबल टी एन, ठीक है, ए लेटर यो का यो, बाय लगा के देखो किसमें चेंज कर देंगे, देम, हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इससे जो अगला है अपना वो है गोइंग टू का रूल। अब गोइंग टू का रूल क्या कहता है, गोइंग टू का रूल क्या कहता है वो ये है, देखो अगर इजेमार आ जाए उसके साथ गो, उसके बाद आ रहा है गोइंग टू और बी, और फिर कोई वर्ब आ रही है, तो उसका जो रूल बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस इस अकॉर्डिंग बनेगी, जैसे अपन पैसिव वॉइस बनाए। अब देखो सी का पैसिव वॉइस गोइंग टू कुक हो गए, ऑब्जेक्ट क्या अपना फूड, देखो सब्जेक्ट एलपी वर्ब, ये गोइंग टू अलग हो ही गया अपना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर टू, तो अपन ऑब्जेक्ट कौन से हटाएंगे, टू को। ये सिचुएशन केवल गोइंग टू के लिए है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर ये वर्ब ही है दूसरी, क्योंकि टू के बाद क्या आता है, जस्ट फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का रूल का। अब फूड का, फूड ठीक है, अच्छा इजेमार को चेंज किसमें करेंगे, इजेमार भाई, तो फूड के साथ क्या लगेगा, इज, फिर क्या लग जाएगा, बींग, गोइंग टू, यू का यू देखो, गोइंग टू कुक को किसमें चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में कुकड़, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला तो इसका ही सेंटेंस देख लो, नहीं समझ आया तो, ही हैज गोइंग टू सी मार्केट, ये बना दिया अपन ने। अब ऑब्जेक्ट क्या अपना, मार्केट, तो मार्केट हैज को किसमें चेंज कर देंगे, हैज में, मार्केट के साथ क्या लगेगा, हैज, गोइंग टू यू में, ठीक है, सी को किसमें चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, बाय लगाओ, ई को किसमें चेंज कर देंगे, इम में, इसमें सी को चेंज नहीं किया ना अपन ने, सी को किसमें चेंज कर देंगे, हर में, सॉरी। देखो दोस्तों मैं भी इंसान ही, गलती तो हो सकती है, ये बनेगा इसका। अगला जो अपना रूल आता है वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का। अब प्रश्नवाचक वाक्यों का क्या रूल है साहब, बहुत सीधा रूल है प्रश्नवाचक वाक्यों का, कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्नवाचक वाक्यों में, और नहीं प्रश्नवाचक वाक्य थे अपने टेंस के हिसाब से, प्रश्नवाचक वाक्यों को दो भागों में बांट दिए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिए थे, एक तो था हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस और एक था डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से ही बनाया जाता है, और डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड से ही बनाया जाता है, ये बात कन्फर्म है। अब इसके बाद देखेंगे पर क्या होता है और क्या नहीं होता है, थोड़ी देर रुको दोस्तों। अगला जो सेंटेंस है अपना हेल्पिंग वर्ब वाला वो देखते हैं, बोर मत होना,
बोर हो गए तो मान लेना मामला ही खराब है। बोर होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें तो। ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, अच्छे सेंटेंस है ये। यही नहीं समझे तो समझे ही क्या। ये देखो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सब जान गए, ये है ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो सब्जेक्ट के नीचे लिख दो फुटबॉल। ठीक है, हैजेव को किसमें चेंज करते हैं अपन, हैजेव बीन प्लस एमवी थर्ड, तो फुटबॉल के साथ क्या लगेगा एज। ठीक है, यह क्या लग जाएगा बीन, मैन वालों की थर्ड फॉर्म, बाय लगाओ सब्जेक्ट लिखो, सी को किसमें चेंज कर देंगे और में। आता समझ में आया होगा। देखो दोबारा टू स्कूल, तो अब टू को हटा देना, टू की कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल ही आएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का कोई रोल नहीं होता इसमें स्कूल। अब इजेमआर को किसमें चेंज कर देंगे, इजेमआर प्लस बीइंग प्लस एमवी थर्ड, तो स्कूल के साथ क्या लगेगा इज, लेकिन बीइंग यहां लगेगा, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी गो वेंट गोन, बाय लगाओ और सब्जेक्ट लिख दो, सी को ई को किस में चेंज कर देंगे हिम। ठीक है, अगला देखो वाज सी कुक फूड, तो फूड वाज वर को किस में चेंज कर देंगे वाज वर प्लस बी, तो फूड के साथ क्या लगेगा वाज Being, फिर कुकड बाय लगाओ और चेंज कर देंगे सी को किसमें हर में। ठीक है, अगला जो है हैड दे सीन ए पिक्चर, इसको चेंज करेंगे ए पिक्चर, हैड को किसमें चेंज करते हैं हैड बीन प्लस एम वी थर्ड, तो ये पिक्चर के साथ क्या आएगा हेड बीन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सीन, बाय लगाओ, बाय लगा के देखो किसमें चेंज कर देंगे दे देयर देम, ये लो हो गया। एलपी वर्ब वाले तो बहुत सीधे हैं, और डब्ल्यू एच वर्ड वाले इससे भी सीधे हैं, वो देखना डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड वालों में कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परेशानी आती है थोड़ी सी, लेकिन पैसिव वॉइस में कभी परेशानी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस होते ही सरल। अगर तुम हेल्पिंग वर्ब वाले बनाना सीख गए तो पैसिव वर्ब वाले बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, जैसे व्हाई इज सी गोइंग टू जयपुर, वेयर एज सी लिव इन द गार्डन, तीसरा हाउ हैड दे लेफ्ट द ट्रेन, एक और ले लो When was Radha came to station? ये सेंटेंस है अपने डब्ल्यू एच वर्ड वाले। अब इसको अपन चेंज करेंगे, अब देखो चेंज कैसे करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड, वाई का वाई। अब ये सेंटेंस देखो कौन सा पड़ गया अपना हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब वाला ही पढ़ाना है इसमें, बहुत सरल है ना। जयपुर लिख दो, अब जयपुर के अनुसार इजेमार,
इज एम आर किस में चेंज करेंगे, इज एम आर बींग प्लस एम विदाउट, तो क्या लग जाएगा इज, फिर बींग गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन बाय लगाओ, अगर टू को लिखना चाहते हो तो टू यहां आएगा ठीक है, टू बाय सी को किस में चेंज कर दोगे हर में। अगला वेयर इन द गार्डन, अब द गार्डन ही ले दो, गार्डन हैज हैव को किस में चेंज करोगे हैज हैव में, गार्डन के साथ क्या आएगा हैज बीन, लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लेफ्ट इन यू कहो बाय लगाओ, सी को किस में चेंज कर दोगे आर में ठीक है। अगला द ट्रेन डब्ल्यू एच वर्ड यू कहो हेड का हेड बीन का बीन लेफ्ट का लेफ्ट थर्ड फॉर्म ये लेफ्ट बाय लगा के देखो किस में चेंज कर देंगे देन में ठीक है। अगला वैन तो वैन ही हो गई हो द स्टेशन टू स्टेशन तो स्टेशन वाजवर किस में चेंज हो जाएगा वाजवर में स्टेशन के साथ क्या लगेगी वाज बींग का बींग कम केम कम थर्ड फॉर्म बाय टू लगाना चाहो तो यहां लग जाएगा बाय से पहले राधा क्योंकि अब राधा क्या है लड़की तो लड़की को क्या बोलते हैं सी सी किस में चेंज हो जाएगा हर में ये भी हो सकता है इसकी जगह ठीक है। अगला जो रूल आता है अपना वो है जो सब्जेक्ट काम के नहीं है जैसे समवन समबडी एवरीवन एवरीबडी नो वन नोन नोबडी वी दे आल all of them children people all people, अगर ये शब्द आता है तो इनके पीछे by नहीं लगाया जाता जैसे people were playing football। अगला सेंटेंस वो ले लो एक एवरीवन कैन रन फास्ट इन हर यूथ। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि अपन ने मॉडल का अभी तक एक भी सेंटेंस नहीं बनाया, ये देख लो इसमें कुछ नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया अपना फुटबॉल का फुटबॉल, वाजवर को किसमें चेंज कर देंगे वाजवर में फुटबॉल के साथ क्या लगेगा वाज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या फिर क्या लग जाएगा बीइंग आईएनजी है ना प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेयर्ड बाय नहीं लगेगा बस ये शब्द अगर शुरुआत पे कहीं भी आ रहे हैं तो इनमें बाय नहीं लगता है ठीक है। अगला एवरीवन वाला है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इन हर यूथ, तो इनको लिखो मत हर यूथ को लिख दो हर यूथ, कैन को किस में चेंज कर देंगे मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मॉडल को चेंज करते हैं मॉडल प्लस बी प्लस एम वी थर्ड तो कैन को कैन ही रहेगा क्या लग जाएगा बीई, रन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रनड, फिर फास्ट इन इतना ही बनेगा। अब बाय लगा के शब्द नहीं लिखा जाएगा। अब इसके साथ अपने दो रूल होते हैं एक तो मॉडल वाला हो गया और एक ऑब्जेक्ट वाला हो गया। इसके बाद जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं लेट वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले और डोंट वाले वर्ब। प्लीज काइंडली का एक अलग रूल होता है उसको अपन अलग से पढ़ लेंगे
लेकिन पहले इसको देख लेते हैं भाई कौन कौन से होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, डोंट वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट और लेट वाले वाक्य, इन तीनों के लिए ही एक रूल है बहुत अच्छा, वो देखो क्या है, लोग थ्री, ये चीज याद रखनी है इसमें अपन। अब लोग थ्री क्या होता है, एल का मतलब होता है लेट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, बी का मतलब होता है बीई, और थर्ड का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य बना के बताओ उनको, तो वाक्य से मतलब है, जैसे ओपन द डोर, डोंट टच मी, ठीक है। तीसरा लेट प्ले फुटबॉल, इन तीनों के बनाने हैं पढ़ को। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य, ये हो गया डोंट वाला वाक्य, और ये हो गया लेट वाला वाक्य। ठीक है, बनाना ऐसे ही देखो, सबसे पहले क्या आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, फिर बीई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी ओपनड, ये बढ़ गया। अगला जो है अपना डोंट वाला वाक्य, इसमें प्रोनाउन संबंधी चेंज नहीं होंगे दोस्तों। अब इससे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका मी, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी टच, ठीक है टच होगी। अगला लेट प्ले फुटबॉल, तो लेट का लेट, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेयर्ड, बन गया। ठीक है, बहुत सरल है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके बदले बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत सरल है, तो इनको तो सीख लो अच्छा रहेगा। अब बना लिया अपन ने, अब आता है कौन सा प्लीज काइंडली वाला रूल, लेकिन उससे पहले ये चीज देखो, इसमें डोंट आ रहा है मतलब नोट आ रहा है इसमें, तो नोट कहां लगेगा, नोट तीसरे नंबर पे फिक्स है, ये लो लग गया, मी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब अगला जो रूल आता है वो आता है प्लीज काइंडली वाला, इसके बाद कैसी हुई खत्म है, अब सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की टॉपिक की पीडीएफ कम से कम 100 क्वेश्चन की डालूंगा, और इसके 100 क्वेश्चन की डालूंगा, देखना जरूर आप लोग। अब प्लीज काइंडली का रूल आता है, प्लीज काइंडली का रूल क्या है सर, बहुत सरल है, प्लीज काइंडली का रूल, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज काइंडली को हटाओ और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, यू आर प्लीज काइंडली, और एक विद भी है इसी के साथ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा, बाकी का सेंटेंस आ जाएगा ओपन द डोर। ठीक है, इस तरह से अपने पैसिव वॉइस तो खत्म होते हैं, और इनके क्वेश्चन में जरूर से जरूर डाल दूंगा। ठीक है।